राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का आरोप पत्र दायर कर दिया है। इस हमले पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को एनआईए की चार्जशीट से करारा जवाब मिला है। मोदी सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी को अब पाकिस्तान से सवाल पूछना चाहिए। एआईए की चार्जशीट में पुलवामा हमले के पाकिस्तान कनेक्शन के पुख्ता सबूत मिलने के बाद विपक्ष ने चुप्पी साध ली है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखते हैं। 4 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू की एनआईए अदालत में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। 13,500 पन्नों की चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर समेत 19 को आरोपी बनाया गया है। एनआईए अधिकारियों ने कहा कि चार्जशीट में हमले में पाकिस्तान की भूमिका के पुख्ता सबूत, तकनीकी सामग्री और कई साक्ष्य हैं। पाकिस्तान ने एक स्थानीय आतंकी आदिल अहमद डार का इस्तेमाल किया, जिसने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक से लदी एक कार से टक्कर मारी थी। जांच में पता चला है कि हमले में इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स पाकिस्तान से मंगवाया गया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ की थी और एनआईए के पास इसके साक्ष्य भी हैं। एनआईए की चार्जशीट में विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने पुलवामा हमले पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत को बदनाम करने वाली कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने इस हमले को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलवामा हमले की बरसी पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था, पूरा देश पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अभी ये सवाल बरकरार है कि पुलवामा हमले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। इस हमले के लिए कौन जवाबदेह है? 350 किलोग्राम आरडीएक्स कौन लाया? कुछ ऐसे ही सवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किए थे। उन्होंने भी मोदी सरकार को इससे फायदा होने की बात करके पूरे देश को गुमराह किया था। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया था। कांग्रेस के साथ साथ वामपंथी पार्टियों ने भी इस आतंकी हमले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने भी पुलवामा के आतंकी हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। मोहम्मद सलीम ने कहा था, हमें जवानों के लिए मेमोरियल नहीं चाहिए, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 80 किलो आरडीएक्स कैसे भारत में आ गया, वो भी उस जगह जहां पर सेना की इतनी बड़ी तादाद है। एनआईए की चार्जशीट ने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को इसका जवाब दिया है। चार्जशीट में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के शामिल होने के सारे सबूत देकर इनका मुंह बंद कर दिया है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की घटिया राजनीति का परत दर परत खुलासा हो रहा है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का सबूत मांगने वाली कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद चुप्पी साध ली है। अब इन्हें सरकार के बदले पाकिस्तान से सवाल करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।